चारों जो है ये चारों आपके ऑप्शन नहीं थे, चारों क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला आपका ये है क्या कि आपको पोटेंशियल बताना है कहां पे, जब R1 is less than R1 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट यहां कहीं बिलोंग करेगा, यहां कहीं अंदर, जब इससे भी ये छोटा है R1 से भी और R2 से भी छोटा है। तो देखो पोटेंशियल बाई Q1 और पोटेंशियल बाई Q2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इतना तो हम जानते हैं कि जब पोटेंशियल की बात अपन करते हैं तो के क्यू बाई आर, तो आर वन और प्लस के क्यू बाई आर टू, भैया दोनों का एक जैसा क्यों आया, इसलिए एक जैसा आया क्योंकि ये पॉइंट इनसाइड द सेल है। अगर ध्यान से तुम लोग देख पा रहे हो तो इनसाइड द सेल है। आपको इतना तो आइडिया होगा यार, मैंने आपको बताया था क्या कि सपोज करो कि ये क्या है, सपोज करो ये कि स्फीयर है, तो इसका कैसे ग्राफ बनता था, ऐसे जाता था उसके बाद ऐसे हो जाता था, बोलो है ना। तो अगर ये ग्राफ आपको मिलता था इसका मतलब इसके अंदर में तो वही रहेगा, इसके अंदर में हर जगह समान रहेगा, तो इसीलिए अंदर में इसकी वजह से कितना आएगा के क्यू बाई आर वन और इसकी वजह से यहां पे कितना आएगा के क्यू बाई आर क्यू टू बाई आर टू। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि अब जो तुम्हारा आर है, अब इसको मिटा दो, चलो हटाओ। अब कह रहा है कि आर वन से तो बड़ा है लेकिन R2 से छोटा है, इसका मतलब योर पॉइंट विल बी हियर, बोलो हाँ या ना। अब जरा हमें ये बताओ कि ये अंदर वाले गोले के लिए कहां है, बाहर है, लेकिन बाहर वाले गोले के लिए कहां है, अंदर है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट यार तुम्हारा अब जबरदस्त हो गया होगा कि अगर अंदर वाले के लिए तो उतना आएगा जितना ए इतना आएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हो। तो इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन में पोटेंशियल बाई क्यू वन प्लस पोटेंशियल बाई क्यू टू और पोटेंशियल बाई क्यू वन की वजह से बच्चे इधर देखो। अब इसके लिए पहले वाले स्फीयर के लिए ये बाहर चला गया, तो बाहर चला गया और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, कितनी है आर है। इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू वन बाई आर, आर आर वन नहीं आर, प्लस 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 इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए बाहर से मतलब इस वाले सेल के द्वारा इस पर कितना आएगा के क्यू टू बाई आर टू, आर टू समझ में आई बात, ये बात। तो दूसरा भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, तीसरे क्वेश्चन पे, जब आर इज ग्रेटर देन आर टू तो ग्रेटर देन आर टू का मतलब यहां कहीं होगा बाहर, बोलो हाँ या ना। अब ये चीज हो गई यहां के लिए, अब देखो ये बताओ अंदर वाली सेल के लिए भी रेडियस आर और बाहर वाली सेल के लिए भी रेडियस आर, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन याद रखना कि यहां पे आर जो है वो आर टू से भी बड़ा है, इसका मतलब जो तीसरी कंडीशन होगी वो होगी के क्यू बाई क्यू वन बाई आर वन आर, केवल आर, केवल आर और प्लस के क्यू टू बाई आर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा लास्ट पे ड्रा द ग्राफ, वो तो मैंने ड्राफ मतलब ड्रा करने के लिए कह दिया था ग्राफ, लेकिन टेक्निकली सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। अलग अलग क्या होगा, एक नॉर्मल सा ग्राफ जो हम लोगों ने सीखा है उसी को फिर से एक बार देख लो कि सपोज करो कि ये क्या है, ये आपका विभव है और ये आपकी रेडियस है। तो अंदर तो ये क्या रहता है, अंदर ये बिल्कुल समान रहता है, बराबर रहता, उसके बाद ये कैसे जाता है, ऐसे डिग्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये रहा कुल मिला के एक दो तीन, ये चौथा कोई जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उस पर ध्यान दीजिए, आया क्लियर हो गया एकदम जबरदस्त। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल इसी फंडामेंटल पे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ओके चल,